जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय केटीआर, जय भीम। आज हम पद यात्रा करते हुए, डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए आज 18 दिन हो गए, क्योंकि हमारे को लेट डिक्लेयर हुआ, इसलिए हमारे को 18 दिन हुआ, नहीं तो हम बहुत पहले शुरू करते थे। अभी पद यात्रा करते हुए तो हमारे को लोगों की तकलीफ, लोगों का जो रोड्स का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज प्रॉब्लम है, वाटर का प्रॉब्लम है, पोल्यूटेड वाटर का प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट्स का प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम्स देखने मिला बहुत से जगह, जहाँ पे मेन रोड्स छोड़ के बाकी के सब रोड्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग अभी बारिश के दिनों में वहाँ बहुत परेशान है, और बारिश नहीं पड़ा तो चल जा रहा, मगर बारिश के दिनों में वहाँ बहुत परेशान है, और उनको पानी का प्रेशर भी कम आ रहा। तो ये सब छोटे छोटे मसले हैं जिसको अपन आराम से दूर कर सकते हैं। ये मसलों को दूर करना बोल तो अपन मेन रोडों पे घूमने से कुछ नहीं होता, अपन बस्तियों में, गलियों में हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार छोटे छोटे गलियों में बाइक लेके जाकर चेकिंग करे, और उन लोगों से पूछे उनको क्या प्रॉब्लम है। जैसा राशन कार्ड है, बहुत से लोगों को पिंचन कैसा अप्लाई करना नहीं मालूम, बहुत से लोगों को शादी मुबारक का स्कीम आता तो कैसा लेना नहीं मालूम, और गृह लक्ष्मी स्कीम है 3 लाख का, उसके बारे में एजुकेट करना, ये सब स्कीम अगर अपन पब्लिक को आराम से दिलाए तो आज हमारे केसीआर साहब जो धीमा करते कि फिर तीसरी बार मैं बनूंगा, इसलिए धीमा करते कि हर घर में एक ना एक स्कीम पहुंचे सोए। साहब को भरोसा है केसीआर साहब को कि आवाम फिर से मेरे को जिताती, मेरे लोगों को जिताती, मेरे एमएलओ को जिताती, बोल के केसीआर साहब को 100% भरोसा है, और भरोसा रहना भी जरूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट के ऊपर ही काम चल रहा। आपको आंखों के सामने डेवलपमेंट दिख रहा, आप आई टेक सिटी देख लीजिए, वहाँ पे देखो आपको, आप फ्लिपकार्ट देखो, अमेजोन देखो, और आप जितने बड़े कंपनियाँ हैं पूरे, गूगल देख लो, फेसबुक देख लो, सब अपने हैदराबाद में चार्ज। तो मेरा बोलने का क्या है बोले तो, काम करे सो गवर्नमेंट को दो, काम करने वाली गवर्नमेंट को दो, लाइट देने वाली गवर्नमेंट को ओढ़ दो, पानी देने वाली गवर्नमेंट को ओढ़ दो, अनाज देने वाली गवर्नमेंट को दो, पानी खेतों में जो बीमा है वो से गवर्नमेंट को आप ओढ़ दो। अभी साहब 15 लाख रुपये का इंश्योरेंस भी फ्री दे रहे, जो 15 लाख जो गरीब आदमी को कुछ हुआ तो उनको हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे, उसी 5 लाख का इंश्योरेंस ऑलरेडी है। ये सब मिलाए तो देखे तो आपको इसके ऐसा नंबर वन गवर्नमेंट कौन सा भी नहीं है। लाइन आर्डर देख लीजिए आप, एकदम नंबर वन, 10 साल में एक दिन कर्फ्यू नहीं, तो सब सहूलत दे रहा, सब कर रहे। बात पब्लिक का सोच है कि फिर एक बार देखो साहब, हमारे गवर्नमेंट के अंदर ऑलरेडी बिजली दे रहे, पानी दे रहे, रोड़ा दे रहे, जो आवाज दे रहे, ये सब काम कर रहे। जो मसले छोटे छोटे है जिसके ऊपर ध्यान नहीं देते पब्लिक, हमारे जो भी लीडर आए, तो उस मसलों को मैं पद यात्रा में देखा, वो पूरे मसले मैं दूर करूंगा। जैसे छोटे छोटे गलियों में ड्रेनेज सिस्टम, उसके ऊपर म्यूनसिपल के ढक्कन आने, स्ट्रीट लाइट्स नहीं, एक एक साल को स्ट्रीट लाइट चालू नहीं हुए सो है, लोग कंप्लेन कर तो कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि वो आदमी गरीब है। तो पहला मैं नीचे से बेसिक नीड जो होता है वो उसका दूर करने की कोशिश करता हूँ, पढ़ाई अच्छी पढ़ाई देने की कोशिश करता हूँ, बस्ती दवाखाना में बराबर अच्छा दवा चल रहा नहीं चल रहा, उनको पूरों को टेस्टा पूरे हो रहे नहीं हो रहे, ये पूरे चीज़ें देखूंगा, राशन कार्ड पे राशन मिल रहा नहीं, ये सब चीज़ों को चेक करते हुए हर गली में जो छोटे मसले हैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। जय तेलंगाना, जय केसीआर।